नमस्कार, देवदानी ब्लॉग्स की रेसिपी वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ आप सबके सामने आए हैं। तो हम आज बनाने जा रहे हैं सत्तू के पराठे, लेकिन ये आटे से बनने वाले सत्तू के पराठे नहीं है। यहाँ हम चावल का आटा यूज करेंगे सत्तू का पराठा बनाने में, जो कि बहुत ही करंची होता है ऊपर से खाने में, और अंदर से सत्तू का फ्लेवर बहुत ही अलग टेस्ट देता है। तो आज हम एक नई तरह से सत्तू के पराठे बनाकर आप सबको दिखाएंगे। इसे चावल के आटे का सत्तू पराठा बोल सकते हैं। आइए हम इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा हमें। यहाँ हमने लिया है चावल का आटा 2 कप, यहाँ हमने सत्तू लिया है 1 कप, यहाँ हमने नमक लिया है रेगुलर नमक, यहाँ हमने कूटे हुए गोलकी और जीरे का पाउडर लिया है, इसे मोटे मोटे टुकड़ों में कूट लिया है, इसे ज्यादा फाइन नहीं करना है। यहाँ हमने अदरक को क्रश करके ले लिया है, यहाँ हमने अजवाइन और कलौंजी या मंगरेले का आधा चम्मच लिया है दाने, और यहाँ हमने लहसुन लिया है कूट कर, यहाँ हमने सरसों के तेल लिए हैं, और यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल लिया है पराठे को बनाने के लिए। तो आइए हम इसका सबसे पहले डो बनाकर तैयार करते हैं। चावल के आटे का डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ कढ़ाई ली है, जिसमें हमने पानी ऐड किया है 4 कप। अब हम देखेंगे कि ये 4 कप पानी में हमारा 2 कप चावल का आटा अच्छे से डो बना के तैयार होता है या नहीं, या फिर कुछ कम ज्यादा, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ हमने पानी लिया है जिसमें बॉयल आ चुकी है, पानी अच्छे से बॉयल आ जाए तभी हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। इसके पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक को स्वाद अनुसार ऐड कर लें। जब अच्छे से पानी में बॉयल आ जाए तब इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे, जिससे चावल आटा अच्छे से पक जाती है। इसे हम अच्छे से ऐड करेंगे, एक हाथ से चलाते जाएंगे, इसे इस तरह से बिल्कुल तैयार करना है। देखिए ये कुछ इस तरह से पानी में डालने के बाद चावल का आटा हो चुका है। इसे हम अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। इसे हमें डो के रूप में तैयार करना है मसल मसल कर, इसलिए अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम उसके मसाले तैयार कर लेते हैं। फिलिंग्स के लिए हम यहाँ एक बाउल ले लिया है, इसमें हम सत्तू ऐड करेंगे, इसमें हम कूटे हुए लहसुन भी ऐड कर देंगे, इसे हम अदरक भी कूटी अदरक को भी ऐड कर देंगे, यहाँ हम कूटे हुए जो फुल्की और जीरे का पाउडर लिया था उसे भी ऐड कर देंगे। इसे और भी ज्यादा तीखा बनाने के लिए हम यहाँ हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, आप अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो आप भी ऐड करें। और यहाँ हमने थोड़े से सरसों के तेल ऐड किया है, यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से डो के रूप में तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर ले, ये बिल्कुल ड्राई बनकर तैयार होगा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे हल्की सी बाइंडिंग लाने के लिए, ताकि हमें फिल करने में आसानी हो। हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से तैयार है, जो हल्की बाइंडिंग हो इस तरह से हमें तैयार करना है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, बस कुछ ऐसे हो, ऐसे हमें तैयार करना है। अब हमारा आटा तब तक ठंडा हो चुका है, अब हम उसका भी डो तैयार कर लेंगे। आटा हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ चुका है, अब इसे हम अच्छे से मसल मसल कर चिकना करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मसल मसल कर डो के फॉर्म में ले आएंगे, बीच बीच में हम थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इसे हमें अच्छे से मसलना है, नहीं तो पराठा बनाने में ये फटने लगेगी। बिल्कुल मसल मसल कर चिकना करना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करें। इसे हमने मसल मसल कर अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट करके तैयार कर लिया है, इसे आप 7 से 8 मिनट तक मसल मसल कर अच्छे से सॉफ्ट होने तक गूथे, और इसे रिफाइंड डालकर थोड़ा सा ऊपर से मसल कर चिकना कर ले, ताकि ये पराठे बनाने में बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही इजी तरीके से फिलिंग हो जाएगी। ये हमारा डो रेडी है फिलिंग्स के लिए, अब हम इसके पराठे बनाकर तैयार करेंगे। चावल के आटे में हमने अजवाइन और मंगरेला भी डालकर अच्छे से मसल मसल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी एक पेड़े तैयार करेंगे, फिर हम पेड़े लेके
अच्छे से दोनों हाथों की मदद से मसल मसल कर पूरा चिकना कर लेंगे और इसे बिल्कुल कटोरे के शेप में ऐसे तैयार करेंगे फिलिंग्स करने के लिए। इसमें हम अच्छे से सत्तू वाले मसाले इसमें हम फिल करेंगे। अगर आपके ये मिक्सचर हल्के ड्राई हो गए हो तो हल्का पानी डालकर आप इसे हल्का गीला कर ले ताकि ये बहुत ही आसानी से पराठे में फिल हो जाए। इसे फिंगर से दबा दबा कर अंगूठे से ऐसे हम चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। ये हमारी अच्छे से फिल हो गई और इसे हम हल्का सा दबाते हुए ऐसे ऐसे दबाते हुए हम इसे थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा हाथों की मदद से बड़ा कर लेंगे क्योंकि चावल का आटा थोड़ा सा फट जाता है साइड से। ऐसे करने से ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छे से चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से हल्के हाथों से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलकर थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फटने लगती है। इसे हल्के हाथों से बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ये बिल्कुल ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे हम सेक लेंगे। पराठे को हमने सेकने के लिए तवा ले लिया है जो गर्म हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। इसे हम ऐसे डालेंगे सेकने के लिए। इसे हम लो से मीडियम फ्लेम में सेकेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसे डालकर बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ दे ताकि एक तरफ ये अच्छे से सिक जाए। तब हम इसे पलटे, अगर इसे हम जल्दी ही पलटने लगेंगे तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे। 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं एक तरफ सिकते हुए। अब हम दूसरी तरफ अच्छे से ऑयल डाल लेंगे ऊपर से और उसके बाद हम इसे पलटेंगे बहुत ही सावधानी से और इसे हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से पलट पलट कर हल्की गोल्डन होने तक सेक लेंगे। ये ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन होकर सिक कर तैयार हो गई है। इसे हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी होके तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप सारे पराठे को ऐसे ही बनाकर गर्मा गर्म सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। आप इसे एक बार घर में जरूर से ट्राई करें और बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए हमने सारे पराठे एक एक करके गोल्डन करके अच्छे से सेक लिए हैं। आप भी ऐसे ही सारे पराठे तैयार करके रख सकते हैं और जब खाना हो तो इसे हल्का गर्म करके खा सकते हैं। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर से बताइएगा। इस पराठे के का मजा और दुगना हो जाता है जब आप इसे टमाटो सॉस या आम के खट्टी मीठी अचार के साथ या फिर आप खट्टी अचार के साथ खाएं तो इसका टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है। आप इसे बनाएं और एक बार जरूर से ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।